हमारी परंपरा अभी भी चल रही है और आगे भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जय हिंद क्लब ऐसे ही बड़ा बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट और स्पोर्ट्स रिलेटेड और भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते रहे और स्पोर्ट्समैन को वैसे ही इनकरेज करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो तो बहुत खुशीर कथा आज जय हिंद क्लब तरफ लेट श्री नवकिशोर दास मेमोरी रे फुटबॉल टूर्नामेंट रो फाइनल थिला एवं विनिंग टीम को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन जनावाक चाहिबी एवं सबू पार्टिसिपेंट्स को मध्य बहुत खुशीर कथा जे आमर झारसुगुड़ा रे स्पोर्ट्स को नहीं कि बहुत गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप निया जाउछि जेहेतु मु जने विधायिका यंग जनरेशन रु आसे एरी झारसुगुड़ा आमर बहुत एक्सपीरियंस अच्छा बहुत लोक अच्छा जो स्पोर्ट्स को खेल इच्छुक अच्छा तो डेफिनेटली भाव में फुटबॉल क्रिकेट बैडमिंटन वॉलीबॉल टेबल टेनिस की मैंने कराटे सब जिनस लोक मैंने आमर झारसुगुड़ा को स्टेट लेवल रिप्रेजेंट कर तो आगामी दिन में बहुत भल से कमी झारसुगुड़ा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट हम तार मोर प्रयास रय हिंद क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद देवाक चाहिए ये प्रयास को आहरी आग को बढ़ावापी तो से समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लब तो शुरू से ही फुटबॉल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। हम लोग 1985 में मसीहा से इस मैदान में टूर्नामेंट कराए 15-20 साल तक वनडे कराए उसके बाद में लीग कराए और ये टूर्नामेंट पिछले 12 साल से लगातार हो रहा है। कोरोना के चक्कर में दो बार नहीं हो पाया लेकिन ये टूर्नामेंट हमारा निरंतर चल रहा है। हम लोग को फुटबॉल का माहौल बनाना है इसी बहाने लड़के खेल रहे हैं जो आज 2 महीना तक तो लड़के लोग अपना मोबाइल से छूट के फुटबॉल दुकान में फुटबॉल बिक्री हुआ जूता बिक्री हुआ फुटबॉल खेलने का शौक़ होता है। हम लोग का मुख्य उद्देश्य कि लड़के मैदान में आए मैदान जुटे और फुटबॉल जो झारफुड़ा का पुराना सब आज भी झारफुड़ा का पहला प्रेम फुटबॉल में है तो फुटबॉल को बचा के रखना है जय हिंद क्लब इसीलिए हमेशा देता है।
मैच आज बहुत मानने आम एग्नेस्ट भी बहुत टॉप थिला तांकर भी सब मानने सब एक्सपीरियंस पिला तो आमर सब नुआ पिला बट आम पिला बहुत मानने पॉजिटिवली लोकल पिला आमर आमर पिला पब्लिक हिसाब से जिते जोश हिसाब से मैंने फाइट कर खेलिले आते जमी हेल्ले गोटे पब्लिक सपोर्ट थाए पब्लिक सपोर्ट थे जमी हेल्ले भी आम पिला आहरी जोश्रे खेल तो से जोश्रे आम फाइट कर खेलिक विन कर हाँ आमर अटैकिंग आम साइट विंगर दुईटा आमर दुई साइड उंगर आज भल मैंने खेल डिफेंडर तो बहुत बढ़िया मैंने नुआ पिला बहुत बढ़िया डिफेंडर क्राउड मु पब्लिक मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवी मैंने मैंने एत कि आम टीम को सपोर्ट करती झाड़ेश्वर क्लब चिठुआपड़ा कह ललिशा समस्ते जानते आम चिठुआपड़ दुईटा इंटरनेशनल पिला अच्छा बिकी और राकेश राम आउ भी बहुत प्राउड फिल कै कि मो बड़े से मैंने ऊपर को जाइंट आम जिते भी पिला अच्छा सबू मैंने मुझे ट्रेनिंग दिए सबू पिला मैंने बहुत बहुत मुझे प्राउड फिल कै मो पिला पिला बहुत मेहनत करती बढ़िया ना रखते ओडिशा जय हिंद लीगटा गोटे मैंने फेमस लीग हो गला पब्लिक चाहिदा आम मान गोटे जोश जय हिंद लीग खेलवाई बहुत बाहर बाहर पिला आसती खेलवाई और ये जय हिंद लीग खेलवाई पिला मना करते कहीं एठिकार पब्लिक पब्लिक एत सपोर्ट एत क्राउड मैंने बहुत बढ़िया ये गोटे माहौल गोटे बहुत बढ़िया रोहे बहुत बहुत धन्यवाद देवी जय हिंद क्लब को से मैंने एत बढ़िया अर्गानाइज कर मैंने सब वर्ष कंटिन्यू करमती आमर झारसुगुड़े एमती क्लब ना कि आम ये बड़े टूर्नामेंट करूँ जय हिंद अच्छी गोटे बड़ टूर्नामेंट करते सक्सेस कर टूर्नामेंट आप आदिवासी बहुल एरिया में यदि सर्वे करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा लोकप्रियता फुटबॉल में ही आएगी क्योंकि रोमांचक खेल है शारीरिक परिश्रम का खेल है और आप देखिए इसमें केवल एक फुटबॉल बस आपको मिल जाए और आप इसको खेल सकते हैं इसमें ज़्यादा संसाधन भी नहीं चाहिए इसके लिए ये ज़्यादा लोकप्रिय है और हमारा जय हिंद क्लब का प्रयास है कि 1980 से हम लगातार फुटबॉल के प्रोग्राम को केवल खेल ही नहीं जब फुटबॉल का मैच भी होता है तो हम लोग स्क्रीन लगाते हैं लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप फुटबॉल देखें फुटबॉल के प्रति समर्पित हो आने वाला समय में मैंने अभी अपने भाषण में भी कहा कि मोबाइल रियलिटी को वर्चुअल रियलिटी दूर कर रही है लोग मोबाइल में ही फुटबॉल भी खेल रहे हैं क्रिकेट भी खेल रहे हैं तो आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती है लोगों को ग्राउंड में लाने की बच्चों को ग्राउंड में लाने की उनमें उत्साह जगाने की तो हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम इस तरह के आयोजन करें बच्चे देखें एक्साइटमेंट आए और वह मोबाइल की दुनिया से निकल करके रियल लाइफ में भी खेल से जुड़े मुख्य हमारा यही उद्देश्य होता है और हर साल हम लोग इसको लगातार 1980 से अभी तक आयोजित करते आ रहे हैं बीच में कुछ क्रम टूटा कुछ कोविड के लिए टूटा लेकिन अभी 12-13 साल से लगातार ये चालू है और हमें उम्मीद है कि आगे भी हम इसी तरह के आयोजन करते रहेंगे लोगों को प्रोत्साहित करते रहेंगे हमारे क्लब का मेन मोटो ही फुटबॉल है।